जमवारामगढ़ क्षेत्र की छापर की ढाणी बूझ में 15 दिन पूर्व हुई चोरी का खुलासा। जमवारामगढ़ थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी में प्रयुक्त बोलेरो व बाइक बरामद। जमवारामगढ़ पुलिस थाना अंतर्गत छापर की ढाणी तनबूझ में 15 दिन पूर्व हुई चोरी का खुलासा करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। जमवारामगढ़ थाना प्रभारी जोगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि SP जयपुर ग्रामीण मनीष अग्रवाल के निर्देशन एवं CO व्रत जमवारामगढ़ शिव कुमार भारद्वाज के निकट सुपरविजन में थाना हाजर टीम गठित की गई। गठित टीम में ASI चित्रमल, हेड कांस्टेबल भोरेलाल, हेड कांस्टेबल देवी सहाय, कांस्टेबल राम सिंह, दिलीप राजेंद्र, मोती सिंह एवं प्रकाश की टीम गठित की गई। टीम ने अथक प्रयासों एवं तकनीकी एवं साइबर सेल की सहायता से मामले का खुलासा करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सावरमल पुत्र जगदीश जोगी, जोगियों की ढाणी तन समरा पुलिस थाना प्रतापगढ़ जिला अलवर एवं विकास स्वामी पुत्र लादूराम स्वामी निवासी ढाणी राजाली उर्फ स्वामियों की ढाणी तन समरा थाना प्रतापगढ़ जिला अलवर एवं संपत योगी पुत्र भागीरथ योगी निवासी जोगियों की ढाणी तन हमीरपुर थाना प्रतापगढ़ जिला अलवर वाहन मालिक व चालक बोलेरो नंबर RJ02UA3121 को गिरफ्तार किया गया और आरोपियों से चोरी की वारदात में प्रयुक्त बोलेरो व अपाची बाइक भी बरामद की। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से माल बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। हेड कांस्टेबल भोरेलाल ने बताया कि आरोपियों ने पहले बाइक से घटनास्थल की रेकी की एवं बाद में बोलेरो गाड़ी से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह था मामला जमवारामगढ़ थाना तहत छापर की ढाणी तनबुज गांव निवासी विनोद कुमार पुत्र रामफुल माली ने थाना हाजा पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट इस आशय में पेश की थी कि छापर बस स्टैंड पर उसकी रेडीमेड गारमेंट की दुकान है। 13 मार्च की रात को अज्ञात चोरी सेंधमारी करके उसकी दुकान से नकदी एवं रेडीमेड गारमेंट्स का सामान चुरा ले गए। पुलिस द्वारा रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था।